हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौन में कालबेली अनाथ समाज की ओर से भीनमाल क्षेत्र में हुए मर्डर में आरोपी से चाकू बरामद करने तथा किसी निष्पक्ष अधिकारी से अनुसंधान करवाने को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कुशलपुरा रोड पर आरोपी खेतनाथ ने अन्य चार आरोपियों के साथ मिलकर रुमालनाथ मोतीनाथ निवासी थूर व रमेशनाथ निवासी नासोली के साथ जान से मारने के उपदेश से चाकू से वार कर मारपीट की, जिससे खेतनाथ ने रुमालनाथ मोतीनाथ व रमेशनाथ पर चाकू से वार किए, जिससे रुमालनाथ की मौत हो गई तथा मोतीनाथ व रमेशनाथ गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद यह सब आरोपी भाग गए। पुलिस ने आरोपी खेतनाथ को गिरफ्तार किया है, मगर हत्या में शामिल अभी अन्य चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है तथा पुलिस ने खेतनाथ से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है, लेकिन वर्तमान अनुसंधान अधिकारी द्वारा हत्या जैसे गंभीर मामले में ढिलाई बरती जा रही है, जिस कारण अभी तक हत्या में शामिल अन्य चार आरोपी फरार घूम रहे हैं। पुलिस को मौके पर से पिकअप ट्रॉला को बरामद किया है। उसमें भी मुस्तगी पक्ष द्वारा अनुसंधान अधिकारी को ट्रॉला में पड़ा एक देसी कट्टा, पिस्तौल, बड़ी कतरनी व एक चाकू दिखा था, लेकिन वर्तमान अनुसंधान अधिकारी ने उक्त बातों को पत्रावली में रिकॉर्ड पर नहीं लेकर नजरअंदाज कर लापरवाही की है। फरार अन्य आरोपी उक्त मामले को रफा दफा करने व उनके नाम उक्त हत्या के मामले से बाहर निकालने के लिए वर्तमान अनुसंधान अधिकारी पर दबाव बना रहे हैं। आरोपी खेतनाथ के विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। खेतनाथ शातिर अपराधी है तथा अवैध हथियारे भी रखता है। समस्त कालबेलिया नाथ समाज द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि पुलिस थाना भीनमाल के अन्य फरार आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करे एवं हमले में प्रयुक्त चाकू अपराधी से बरामद करे तथा मामले का किसी निष्पक्ष अधिकारी से अनुसंधान करवाने का आदेश दे। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।